आज हम बनाने जा रहे हैं वड़ा पाव। वड़ा पाव बनाने के लिए चाहिए पाव गोल वाले, इस तरह से बीच से कटे हुए, अलग नहीं करना है, इसमें जुड़ा देना चाहिए। 5 से 6 उबले हुए आलू, 200 ग्राम करीब बेसन, यानी एक बड़ी कटोरी बेसन हो गया। और जो स्टफिंग करेंगे आलू की, उसके लिए चाहिए प्याज, हरी मिर्ची, राई और सारे ड्राई मसाले हैं जो, धनिया पाउडर, जिंजर पाउडर, पुदीने का पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, नमक स्वादानुसार, और हमें चाहिए सरसों का तेल। अब बनाना कैसे मैं आपको बताएंगे। गैस पर एक कढ़ाई या फ्राइंग पैन कुछ भी रखेंगे, गैस जलाएंगे, गैस की आंच को तेज करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे तेल, तेल हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच और उसे गरम होने देंगे। देखिए तेल जब तक गरम हो रहा है तो हम आलू को हाथ से इस तरह से तोड़ लेंगे। बहुत इसमें आलू को महीन नहीं करना है, हाथ से ऐसे तोड़ लेंगे, क्योंकि भूनते समय आलू महीन कर लेंगे। बड़ा पाव में मेन तो आलू की जो स्टफिंग होती है उसी का टेस्ट आता है, स्टफिंग का और चटनी का। देखिए इस तरह से आलू को तोड़ लिए हैं, तेल भी लगभग गर्म होने आ गया है। देखिए तेल अच्छे तेज गर्म हो गया है और अब गैस को धीमा करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे, ये है 1 बड़ा चम्मच राई। देखिए राई चटकने लगी, तेल गर्म था इसलिए राई चटक लगी। साथ में हम डाल देंगे इसमें 2 प्याज का मध्यम आकार था, उसे महीन काट लिया था, 3 हरी मिर्च की बारीक काट लिया। यदि आप कम मिर्च कम डालें तो आप 2 ही मिर्च डालिए और उसे हम चलाएंगे। गैस की आंच को मीडियम कर लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट भूनेंगे प्याज को, तब उस कलर चेंज होना है, ब्राउन नहीं करना है। बड़ा पाव जो है मैं अपने स्टाइल में जो बनाती हूँ वो बतला रही हूँ, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बतला रही हूँ। प्याज का कलर चेंज हो गया है, गैस को धीमा करते हैं और आलू में ही हम सारे मसाले मंगलाएंगे। ये है 1 छोटा चम्मच पुदीने का पाउडर, 1 छोटा चम्मच है अदरक का पाउडर, 1 छोटा चम्मच है धनिया पाउडर। यदि आपके पास सूखा धनिया पाउडर ना हो हरा वाला तो आप फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और है ये हमारा 2 छोटे चम्मच है अमचूर पाउडर। नमक हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच क्योंकि अभी बेसन में भी नमक पड़ेगा। देखिए बेसन में भी नमक पड़ेगा इसलिए इसमें नमक कम डाले हैं। प्याज का कलर भी हमें ऐसा ही चाहिए, चेंज हुआ है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे और इसे दबाते हुए गैस करते हुए भूनेंगे। गैस की आंच को मीडियम ही रखेंगे, बहुत तेज नहीं करेंगे। ये एक आलू तोड़ने से रह गया था, उसे हम चम्मच से तोड़ ले रहे हैं। आलू को हमें 3 से 4 मिनट भूनना है। देखिए आलू को मैंने 5 मिनट तक भूना है, इस तरह से दबा दबा कर। आलू देखिए पहले खड़ा खड़ा था, बिल्कुल घूमते हुए मैंने इसको मैश कर दिया है, इसे दबा दबा कर आपको भूनना है। गैस को हम बंद कर देंगे और एक बॉल लेंगे, इसमें आलू को ठंडा करेंगे। जब तक आलू ठंडा हो रहा तो हम बेसन को भून लेंगे। देखिए आलू का मसाला ठंडा हो रहा है तब हम इसको बेसन घोलेंगे और साथ ही
गैस पे कढ़ाई रख के तेल चढ़ा दिया है सरसों का। यदि आपको सरसों का तेल ना खाना हो तो आप जो भी खाने वाला तेल इस्तेमाल करते हो उसमें 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें पानी डाला है। एक साथ बेसन में पानी नहीं डालते हैं, नहीं तो गीला हो जाता है। देखिए अभी ये बहुत गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। पहले मैंने इस चम्मच से 2 बड़े चम्मच डाला, 1 चम्मच पानी और डाला और इसे घोलेंगे। इसका जो घोल होता है बहुत ना पतला होता है और ना ही गाढ़ा, कि अभी भी थोड़ा गाढ़ा ही लग रहा है। ठीक है, तो इसमें पानी थोड़ा और डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच पानी और डाला। कुल मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच पानी डाले हैं, इसे घोलते हैं। इसे 3 से 4 मिनट तक हम घोलना है। देखिए बेसन घुल गया है, बेसन हमें इस तरह का चाहिए। जब चम्मच ऐसे गिराए तो इसकी एक धार ऐसे गिरती रहे, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना पतला है। अब इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक, क्योंकि नमक हमने आलू के मसाले में भी डाला था, और इसे भी मिला देंगे। अब इस टाइम में हम क्या करेंगे, चम्मच को इसमें से हटाते हैं और ये आलू की छोटी छोटी आलू ठंडा हो गया, इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। तेल भी लगभग गर्म हो गया है, पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे और इसे बेसन में डिप करके तलेंगे। एक गोली लेंगे, बेसन में डुबाएंगे अच्छे से और इसे गरम तेल में डाल देंगे। इतनी आसानी से उड़ जा रहा है हाथ में और दोनों तरफ बेसन लगा हुआ है। इसी तरह हमको सारी गुलिया बना के तैयार करके तल लेनी है। देखिए ये एक तरफ से लगा ब्राउन हो गया है, एक तरफ से इसको तलने में 2 मिनट का टाइम लगा। अब इसे पलट के दूसरी तरफ से भी हम ब्राउन होने तक सेकेंगे। बड़े पाव की स्टफिंग जो होती है वो काफ़ी चटपटी बनानी रहती है, तभी बड़ा पाव खाने में मज़ा आता है। गैस की आंच को थोड़ा स्लो कर देंगे और जब तक ये दूसरी तरफ से तल रहा है तो हम इसकी चटनी बनाएंगे। एक तो ये मैंने धनिया की चटनी बना कर रखी है, दूसरी मैं आपको बतला रही हूँ लाल मिर्ची की चटनी। लाल मिर्ची की चटनी बनाने के लिए क्या है, साबुत मिर्च को आप 4 से 5 घंटे भिगो दीजिए और इसका बीज निकाल लीजिए। लहसुन है 1 गांठ, ये 15 कली लहसुन है और 15 पीस मिर्च है, और हमें चाहिए 1 बड़ी चम्मच सिरका और चाहिए साथ ही नमक स्वाद अनुसार। अब इस चटनी को बनाना कैसे है मैं आपको बतला रही हूँ। एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें लहसुन मिर्च नमक 1 छोटा चम्मच डालें, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए और साथ ही सिरका, सिरका इसमें जाएगा 2 छोटे चम्मच और इसे हम पीस लेंगे बिल्कुल महीन। देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल ब्राउन हो गया है, इसी तरह से हमें दोनों तरफ से ब्राउन होते हुए इसको करना है आलू की टिक्कियों को। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको साइड में से कर लेते हैं ताकि इसका जो तेल है नीचे से निकल जाए। एक ट्रे में टिश्यू पेपर बिछाएंगे और उसमें इसको आलू की टिक्कियों को निकाल लेंगे ताकि अतिरिक्त तेल सूख जाए। अब आगे क्या करना है,
जो पाव है सो मैंने बताया है, बीच से काटना है और इसमें हम एक तरफ लगाएंगे धनिया की चटनी। धनिया की चटनी आप घर में जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए और इसमें सिंपल बिल्कुल लगा दीजिए फैला कर चारों तरफ। और एक तरफ में भी मैंने जो आपको बताई है लाल मिर्ची की चटनी, लाल मिर्ची की चटनी लहसुन की बड़े पाव के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें रखेंगे एक टिक्की और उसे इसके ऊपर कवर करके हाथ से हल्का दबा देंगे इसी तरह। देखिए दूसरे में बतला रहे हैं आपको लगाना। देखिए टिक्की को ऐसे चम्मच से भी आप दबा कर चम्मच से पहले दबा लीजिए और देखो इतना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, बड़ा पाव बनकर तैयार है। आप इसे बनाइए मुझे बताइए आपको कैसा लगा। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।